नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, जो इंडियन एम्बेसी है, जी हाँ भारतीय वाणिज्यिक विभाग, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ अपडेट आया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, तो पूरी डिटेल देखते रहिए, पूरी डिटेल और भी हम बात करेंगे। अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बता दूं साथियों आपको, इंडियन एम्बेसी की तरफ से 19 जुलाई को एक अपडेट आया था, और वहाँ के जो इंडियन एम्बेसी के जो मेन गवर्नर होते हैं उनका भी आपको पता है ट्रांसफ़र हो गया है, और उनकी जगह जो डॉक्टर पूरी हैं वो पहुँचे हैं, जिन्होंने 19 जुलाई को अपना कार्यभार वहाँ पे संभाला है। जी हाँ, तो उनकी तरफ से एक आधिकारिक घोषणा की गई है कि भाई इंडियन एम्बेसी जो दुबई में है, यूएई में है, गर्मी की छुट्टियाँ, गर्मी आपको पता है भयंकर वहाँ पे पड़ती है, तो गर्मी की छुट्टियाँ भी वहाँ पे लंबी होती हैं। तो मैं बता दूँ, यूएई में उन्होंने घोषणा की है कि भाई 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, जी हाँ साथियों, यानी पाँच महीने के दौरान इंडियन एम्बेसी की छुट्टी रहेगी। अब छुट्टी का मतलब ये नहीं होता भाई कि बंद रहेगी, लेकिन उसका जो टाइम है आपका वर्किंग टाइम, आपका टाइम मैं बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ साथियों, 2 घंटे का ही आपको टाइम इसमें मिल पाएगा, सुबह 8 से 10 बजे तक का इसमें शेड्यूल रहेगा। जी हाँ, तो अगर आपको एम्बेसी से रिलेटेड कोई भी काम है तो भाई आप सुबह आपको जाना होगा, अपना काम 2 घंटे के दौरान ही जो है उस भी में प्रोसेस में आपका काम आने वाला है। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये भी बोला गया है कि भाई अभी इतना हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडियन एम्बेसी के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है, तो बहुत लोगों की जॉब जा रही है, पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड समस्या आ रही है, टिकट से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ सकता है एम्बेसी पे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला कि अभी फ्लाइट से रिलेटेड इतना वजन अभी इंडियन एम्बेसी पे नहीं है यूएई में, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या यहाँ से, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडियन जाना चाह रहे थे इंडिया, उनके लगभग वो लोग जा चुके हैं यहाँ से, 1,70,000 लोग अभी 20 जुलाई तक इंडिया वापस आ गए हैं। उनमें से उन्होंने बताया कि 40,000 लोग वंदे भारत मिशन के तहत आए हैं, बाकी 1,30,000 लोग प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा, कंपनीज के द्वारा उस तरह से आए हैं, 1,30,000। तो भाई यार यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है कि वंदे भारत मिशन से 40,000 पॉपुलेशन आई है इंडिया में, और जो मिशन के अलावा ये वो 1,30,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। टोटल 1,70,000 लोग अब तक इंडिया दुबई से वापस आ चुके हैं। तो उनका ये मानना है कि अभी इतना ज़्यादा वो लोड नहीं रहेगा, लगभग जो जिनको ज़रूरत थी वो लोग जा चुके हैं, तो इतना एम्बेसी पे अभी वजन काम का नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि भाई फ्लाइटें जारी हैं, फ्लाइटें और भी इंडियन सरकार की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से और भी फ्लाइटें ऐड की जा रही हैं, तो अभी फ्लाइट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इतनी मारामारी नहीं है इंडिया आने वाले लोगों के लिए। तो बस ये जानकारी उन्होंने दी थी कि भाई आप इंडियन एम्बेसी वाले जो आपका काम अगर एम्बेसी के थ्रू पड़ता है, आपके पासपोर्ट, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो आपका टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर सुबह 10 बजे तक का ही टाइम है, बस 2 घंटे का आपका काम अगर आपको करवाना है तो इसी दौरान आपको एम्बेसी में जाना होगा। तो साथियों बस ये छोटी अपडेट आपको देनी थी कि भाई ध्यान रखें, इंडियन एम्बेसी का टाइम चेंज हो चुका है, क्योंकि गर्मियों के दौरान वहाँ छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दौरान 2 घंटे का काम होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।